अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि आप भाईजन सब खैर आफियत से होंगे और आप लोग देख रहे हैं ATV सलाम चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों की खिदमत में एक पड़ी का बहुत ही आसान अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो भाई इस अमल को करना चाहते हैं वो भाई इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखे। और वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरा एक गुजारिश है कि अभी तक हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि ऐसे ही आने वाला वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए अब आप लोगों को अमल बताते हैं। इस मंत्रा को मैं एक बार आपको पढ़ के भी सुनाऊँगा आखिरी में। सबसे पहले इस अमल का विधि विधान आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, कि इस अमल में आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, ये अमल आपको कैसे करना है, ये सब मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद में आपको ये मंत्र पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। दोस्तों, इस अमल में आपको गूगल अगरबत्ती का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। गूगल सुखलाए और अगरबत्ती, ठीक है, जलाए, इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, इस अमल को आप नौ चंद जुमेरात से शुरू कर सकते हैं। इस अमल में परहेज़ है, परहेज़ आपको जलाली और जमाली करना है, ठीक है। और इस अमल को रात 12 बजे के बाद अंजाम देना है, ठीक है। इस अमल को रात 12 बजे के बाद अंजाम देना है। दोस्तों, इस अमल में हिसार है, आप आयतल कुर्सी का हिसार खींच ले, उसके बाद इस अमल को करें। रूम को अंधेरी कर ले, ठीक है, और तन्हाई हो, रूम में बैठ के अमल पढ़े। दोस्तों, इस मंत्र को आपको 707 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 707 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। और यह अमल आपको ऐसे ही 21 दिन तक करना है, यह अमल 21 दिन का अमल है, ठीक है। आपको जलाली जमाली परहेज करके इस अमल को करना है और 21 दिन तक इस अमल को करना है। नौ चंद जुमेरात से इस अमल को शुरू करना है। आखिरी दिन में पड़ी की हाजिरी हो जाएगी, आप उनके साथ शर्त तय कर ले, सोच समझ कर शर्त तय करें और उनको दोबारा बुलाने का तरीका कर पूछ ले, ठीक है। तो यही था इस अमल का विधि विधान, ऐसे ही आपको यह अमल करना है। इस अमल को करने से पहले आप अपने अंदर रूहानी ताकत को भी बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए अब आप लोग को मंत्र को पढ़ के सुनाते हैं। मंत्र को आप लोग गौर से सुनिए। सवारे सवार में सवार देव परी कुफर देवर चांदी का कोट सोने का कवार दाएं दस्त जिब्राइल बाएं दस्त पर मिकाइल। ऐसे आपको इस मंत्र को 707 मरतबा पढ़ना है। 21 दिन का अमल है, परहेज जलाले जमाली करना है और हिसार खिंच के अमल करना है, रूम को अंधेरी करना है, ठीक है। और अमल के दौरान गूगल और अगरबत्ती का रोशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब उनका धुआं खुशबू जो है वो फैलना चाहिए रूम के अंदर। तो ऐसे आपको ये अमल करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस अमल का पूरा विधि विधान समझ गए होंगे। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में दूसरे अमल के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।